अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर वफ़ियत से होंगे और आप सब दोस्तों के जानवर भी खैर वफ़ियत से होंगे। तो दोस्तों, मैं फार्म पे आ चुका था और सबसे पहले हम जो है ना अपने दोस्तों अपने छोटे जो लूमन ब्राउन है उसको फीड डाल देते हैं, क्योंकि उसका टाइम जो है ना वो थोड़ा सा ऊपर हो गया। आगे 5 बजे फीड डालते हैं, आज हम 6 बज गए हैं, थोड़ा सा लेट लेट हुए हैं। और आपको एक नई चीज़ दिखाते हैं हमारे फार्म पे, जो नई चीज़ आई है मैं भी आपको वो दिखाता हूँ। सबसे पहले हम अपने लूमन ब्राउन को फीड डाल देते हैं। तो ये है माशाल्लाह हमारा लूमन ब्राउन। ये दोस्तों, जैसे ही मैंने लूमन ब्राउन को फीड डाली है चूज़े को, ये सारा चूज़ा जो है ना वो फीड की तरफ जो है ना फीड खाने के लिए चला गया। अभी इनके बर्तन एक दो और बढ़ाना है और नीचे भी जो है ना वो तो ख़त्म हुई है वो भी लानी है। तो चलिए मैं दोस्तों आज आपको एक चीज़ दिखाता हूँ जो हमारे फार्म पर नहीं आई है, जिसकी वजह से मैंने लूमन ब्राउन को थोड़ा सा दाना भी लेट डाला है फीड। तो अभी आप लोगों को मैं दिखाने वाला हूँ दोस्तों, ये हमारे जो चूज़े हैं पहले वाले, ठीक है। और उसके अलावा कहाँ गए हैं वो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये जो चूज़े इधर घूम रहे हैं ये नए हैं, 4 चूज़े, ठीक है। ये मेरे घर वाले जो चूज़े थे वहाँ से पहले, उनको अब इधर शिफ्ट किया, ये नए आए हैं, वो भी देख सकते हैं। बड़ा मुर्गा मैंने उधर बंद किया हुआ है, क्योंकि इसके अंदर ये वाला जो केज है इसके अंदर है हमारा वाइट मुर्गा। इसको हम बाहर निकालते हैं। ये देखिए दोस्तों, माशाल्लाह से ये वाइट मुर्गा हमारा, ये भी नया आया है फार्म पे। ये लड़ रहे थे आपस में वो और ये बड़ा मुर्गा, ये वाइट मुर्गा, इसलिए इनको अलग बंद किया। दोस्तों हमारे फार्म पे जो है ना वो 4 चिक्स और एक मुर्गा नया आया अभी। तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ऐसे ही हम अपने सारे जानवरों को जो है ना वो इकट्ठा करेंगे और अपने इसी फार्म पर जो है ना उनका सेटअप अच्छे तरीके से कर लेंगे। तो ये जो 5 चूज़े हमारे जो आए हैं आज, ये देखें दोस्तों अलहदा घूम रहे हैं। और इस साइड पे जो है ना ये वाला जो सारे हैं ये अलहदा घूम रहे हैं। इनको मैंने अभी दाना नहीं डाला, इसलिए ये मेरे बार बार मेरे पाँवों के नीचे आ रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि हमें जो है ना दाना दे दो, दाना दे दो। तो इनको भी दाना, इनकी रोटियाँ मैंने भिगोई हुई हैं, तो देखते हैं कि वो नरम हो गई हैं कि नहीं। अगर नरम हो गई हैं तो इनको डाल देते हैं। ये अभी नरम नहीं हुई सही तरीके से, इनको थोड़ी देर और नरम करने देते हैं। और इन मुर्गों का शौक मैं आपको किसी और वीडियो में करवाऊंगा, क्योंकि अभी मैं अकेला ही हूँ तो इसीलिए अभी तो नहीं करवा सकता। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं इसका, इस वाले वाइट मुर्गे का, और जो चूज़े हमारे नए आए हैं और इनमें से भी मैं आपको चूज़ों का एक एक करके शौक करवाऊँगा। और उसके अलावा वो जो है बड़े मुर्गे का, उसका भी मैं आपको शौक करवाऊँगा। दोस्तों इनका नाम तो मैंने रखा हुआ था असील गैंग, तो उनका भी नाम कुछ सोचते हैं, कुछ नाम रखते हैं उनका भी। और उसके बाद ये जो हमारे केज हैं इनके जो दरवाज़े अभी तक रहते हैं वो भी मसला है, वो बना के वो पड़े हुए हैं दुकान पे, बना के नहीं दे रहे अभी तक। तो उनको मैंने कहा है कि आजकल में जो हमारे दरवाज़े भी इंशाल्लाह आ जाएंगे वो भी लगाएंगे, उसके बाद हम अपने जो है ना जानवरों को केजेस के अंदर प्रॉपर तरीके से जो है ना बंद करेंगे। अभी देखें केजेस के अंदर बहुत ज़्यादा जो है ना वो सारा सामान अंदर पड़ा हुआ है, और ये सारी चीज़ें ऊपर नीचे, तो इनको बंद करता हूँ रात को। ये देखें ये दोनों आपस में मिलजुल रहे हैं, ये उसे खा रहा है पकड़ पकड़ के। ये हमारा मेल है छोटे चूज़ों में, सील गैंग में से। और ये दोस्तों इसकी मुर्गी की हालत ना मुर्गियों ने ख़राब की हुई है, ये मुर्गियां जो पार खाती हैं ना ये, उन्होंने इसकी हालत ख़राब की है। तो पार खाने के हवाले से भी मैं एक वीडियो अपलोड करूँगा इन करीब, वो भी आप दोस्तों को बताएँगे कि मुर्गियाँ जो है ना वो क्यों पार खाती हैं और उसका इलाज क्या। वो देखें दोस्तों वो, ये अगर आप देख सकते हैं कि ये छत के ऊपर किसी का कबूतर बैठा हुआ है, ये जंगली कबूतर लग रहा है। तो इसको हम पकड़ नहीं सकते, एक तो किसी की छत के ऊपर है और दूसरा जो है ना हमारे पास अभी इधर कबूतर नहीं है। अगर हमारे पास इधर पिजन्स होते हैं तो मैंने अपने पिजन्स को छोड़ के, ये देखें ये उड़ गया, छोड़ के इसको पकड़ लेना था, लेकिन अभी इसे जाने देते हैं। तो हमारे लूमन ब्राउन में जो है ना वो एक मुर्गा निकला दोस्तों, ये देखेंगे सामने खड़ा, ये एक मुर्गा हमारा जो है ना इसमें से निकला। अभी आप इस मुर्गे का ऐसे ही चलते फिरते का शौक करें, ये देखें मुर्गे की स्टैंडिंग पोजीशन चेक करें। ये माशाल्लाह से वेल भी अभी तोड़ी हुई है, इसने सारी नहीं निकालेगा, कुलीज करेगा। ये देखें मुर्गा कितना सीधा जो है ना वो खड़ा हुआ है, ये देखें माशाल्लाह। ऐसे शामू होता है लेकिन ये शामू नहीं है, पाकिस्तानी है। ये देखें माशाल्लाह बांग जान भी दे दिया मुर्गे। तो यहाँ पे मैं एक ज़रूरी चीज़ ऐड करता जाऊँ,
जब भी आप किसी के खुड्डे मतलब किसी के केजी से, किसी के सेटअप से, या अपने ही किसी दूसरे सेटअप से, किसी दूसरे सेटअप पे जानवर वगैरह शिफ्ट करें, या किसी और भाई के सेटअप से, या कहीं भाई से दुकान से लेते हैं, आपके पहले मतलब जानवर आपके सेटअप पे मौजूद हैं, जैसे हमारे सेटअप पे मौजूद हैं, तो अगर आप बाहर से जानवर लाते हैं तो आप सबसे पहले आपने क्या करना है, उनके चेहरों को अच्छी तरह से धो लेना है, चेहरों को और नलियों को जो है ना अच्छी तरह से उनको धो लेना, वॉश कर लेना। उससे ये होता है कि जो पिछले केजीज के खुड्डों के जो होते हैं जरासीम वगैरह, या दुकानों के जो जरासीम वगैरह होते हैं, वो आपके जानवरों तक नहीं पहुँचते। तो मैंने तो अभी ये धो लिया था इनको सुबह, जब ये आए थे सुबह सुबह आए थे, तो सुबह जब मैं इनको लेके आया था मैंने तो इनको धो लिया था, लेकिन इसका तरीक़ाकार मैं आपको किसी और वीडियो में ज़रूर बताऊँगा। तो यहाँ पर ये चीज़ मैंने ज़रूरी समझी है कि मैंने कहा चलें ये ऐड कर देते हैं कि कैसे मतलब आपने आप पाँव वगैरह धोएंगे, उससे जरासीम वगैरह नहीं आते, फिर बीमारी नहीं आती। अगर आप ये तरीका ना करेंगे हो भी सकता है कि आपके केजेस में जो है ना वो बीमारी आ जाए और आपके सारे जानवर भी जो है ना वो ख़राब हो जाए। अल्लाह ना करे किसी के जानवर ज़ाया हो, लेकिन ऐसा मुमकिन है, हो सकता है, कई दोस्त हमारे यहाँ उनके साथ हुआ भी है ये। दोस्तों ये मैं ज़रा उधर गया हूँ दूसरी साइड पे, तो मुर्गों ने ना लड़ना झगड़ना शुरू कर दिया, इसने भी खून निकाल लिया अपना और इसने भी, इसीलिए इनको लादा लादा बंद किया हुआ था, ये नहीं ये जो है ना ये बात नहीं आते, तो इसलिए इनको अलग अलग बंद किया था। अभी इसका मुंह वगैरह धोते हैं और इन चूज़ों को भी इनकी जो है ना भी धोनी है इनके लिए, वो डाल देते हैं इनको। ये जी मैंने ना मुर्गे का मुंह शुद्ध धोया था, तो मैंने पकड़ा भी था, तो मैंने कहा चले आपको ना थोड़ा सा ना इसका शोक करवा देते हैं। अभी इसकी शोक करवाने वाली हालत तो नहीं है, मुर्गा जो है वो क्रीज में है। ये देखे माशाल्लाह आंख देखे मुर्गे की, ध्यान नहीं सीधा कर रहा, ये देखिए आंख माशाल्लाह मुर्गे की चेक करें, सफ़ेद आंख है और साइडों पे लाल डोरा है, ठीक है। उसके बाद नलियों का शौक करें, सफ़ेद नली है बिल्कुल माशाल्लाह, वो गंदी हुई है थोड़ी सी, तो ये इसको छोड़ देते हैं नीचे। ये जी चला गया मुर्गा, अभी इंशाल्लाह किसी और वीडियो में ना आपको इसका अच्छी तरीके से जब ये क्रीज मुकम्मल कर लेगा तो फिर आपको इसका शो करवाएंगे। तो अभी हम जो है ना उनको असील को उनकी रोटियां भी भिगोई हुई थी उनको डाल देते हैं, ताकि वो भी अपनी रोटी छोटी खा लें। आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये जी मैंने यहाँ पर इनको ना रोटियाँ डालनी हैं, तो ये काम थोड़ा सा उल्टा हो गया है कि ये जो चिक्स थे ये उस वाले मुर्गे के साथ रहते थे, ठीक है, तो वो मुर्गा ये वाला इनके साथ है, जो हमारे नए चिक्स आए थे वो यहाँ पे खड़े हैं, वो नहीं खा रहे, उनके पास नहीं जा रहे, डर रहे हैं, तो इनको भी रोटियाँ डालते हैं अभी, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो लाइक लाजमी कर दिएगा, हमारे इस चैनल चिकन लैंड को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दिएगा। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।